कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में CAA NRC समेत कई मुद्दों पर बात की। छात्रों को संबोधित करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा CAA को वैध ठहराने की स्थिति में अगर किसी मुसलमान को डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है तो उस समय एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि धार्मिक आधार पर ही प्रताड़ना का जिक्र क्यों है, भारत धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देती है, शरणार्थियों को लेकर एक विस्तृत कानून होना चाहिए। CAA को लेकर चिदम्बरम ने कहा, सभी पड़ोसी देशों के सभी धर्मों को इसमें शामिल किया जाए, न कि 3 पड़ोसी देशों के सिर्फ 6 धर्म के लोगों को।